हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसएमआर में। दोस्तों, ये एयरटेल का फोन है। दोस्तों, एयरटेल का आपका कोई भी फोन है दोस्तों, यदि आपने अपना बटन लॉक भूल गए हैं, पिन कोड पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप कैसे इसको रिमूव करेंगे, कैसे इसको अनलॉक करेंगे दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, हमारा बटन लॉक मांग रहा है और इसका बटन लॉक हमें पता नहीं है। यदि आपका बटन लॉक मांग रहा है, पिन कोड मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप अपने मोबाइल की जो है स्विच ऑफ कर लेना दोस्तों। स्विच ऑफ करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, तभी आप अपने मोबाइल के जो है गूगल अकाउंट जो है आपका पैटर्न लॉक जो है रिमूव कर सकते हो दोस्तों। क्या गूगल अकाउंट मैंने बोल दिया है, कभी कभी गूगल अकाउंट भी मांगता है दोस्तों पैटर्न लॉक होने के बाद। तो यहाँ पे पहले आप देख लीजिए, वॉल्यूम अप बटन और डाउन बटन और पावर बटन, तीनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है दोस्तों। लगभग कुछ सेकंड तक आप जो है वॉल्यूम अप बटन, डाउन बटन और पावर बटन, यानी तीनों बटन को आप एक साथ प्रेस करना है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम तीनों बटन को एक साथ प्रेस कर लेते हैं थोड़ा टाइम तक। उसके बाद जब हमारा जो है एयरटेल का लोगो आएगा, तो एयरटेल का जो लोगो आएगा तो हम जो है पावर बटन को छोड़ देंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए, थोड़े टाइम में हमारा जो है रिकवरी मोड में चला जाएगा और यहाँ पे जो है परमानेंट मोड का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, हमारा रिबूट सिस्टम नाउ। उसके बाद हम नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे और नीचे थोड़ा और नीचे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम जो है जाके उसके बाद पावर बटन को प्रेस कर देंगे। उसके बाद फिर नीचे जाएंगे दोस्तों, उसके बाद फैक्ट्री डाटा जो लिखा है रीसेट, उसके बाद यहाँ पे भी पावर बटन को प्रेस कर देंगे। यहाँ पे देखिए, नीचे हमारा जो है वह जो है हमारा डाटा जो है फॉर्मेट हो रहा है, मोबाइल का डाटा हमारा जो है फॉर्मेट हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जब हो जाएगा तो रिबूट सिस्टम नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पावर बटन प्रेस कर देना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों आपका जो है पैटर्न लॉक रिमूव हो जाएगा, आपका जो है पिन कोड पासवर्ड रिमूव हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम आप यहाँ पे वेट कर लेना। थोड़ा हमने वीडियो को स्किप कर दिया ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जो अपना पिन कोड या पैटर्न लॉक पासवर्ड जो भी रिमूव करते हैं, तो हमारा जो है मोबाइल जो है जीमेल अकाउंट मांगता है दोस्तों। तो जीमेल अकाउंट जो है मांगेगा, तो इसका जो है दूसरा वीडियो मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका वीडियो देख लेना दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा टाइम यहाँ पे वेट करेंगे, हमने थोड़ा वीडियो को स्किप कर दिया है, थोड़े टाइम में ये खुल जाएगा। उसके बाद हम दोस्तों नेक्स्ट करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो है ये एफ आर बी मांगता है या नहीं मांगता है दोस्तों। यहाँ पे अगर जो यदि आपका एफ आर बी मांगे, तो दोस्तों दूसरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप दूसरा वीडियो हमारे चैनल पर देख लेना और जो है अपना एफ आर बी बाईपास कर लेना दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो है वाईफाई कनेक्ट का जो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ गया है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट सेकंड थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम यहाँ पे जस्ट सेकंड थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखते हैं, यहाँ देखिए ऑफलाइन मोड का आ गया। यहाँ कभी कभी ऑफलाइन मोड नहीं आता है, यहाँ पे जो है वाईफाई मांगता है, तो वाईफाई मांगेगा तो आपको जो है फारवी मांगेगा, गूगल अकाउंट मांगेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो है गूगल अकाउंट नहीं मांगा, ये जो है हमारा जो है ऑफलाइन हो गया है, तो और जो है हमारा गूगल अकाउंट नहीं मांगेगा। यहाँ पे जो कोई भी सेट पासवर्ड कर देते हैं, यहाँ पे यहाँ से जो है स्किप कर देते हैं। चलिए इसको स्किप कर देते हैं यहाँ से जस्ट सेकंड। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कंट्री चूज़ करेंगे, इंडिया। उसके बाद फिर यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों। इस प्रकार से हमारा जो है अपने मोबाइल का गूगल अकाउंट, इसमें तो गूगल अकाउंट नहीं मांगा, लेकिन आप जो है पिन कोड, पैटर्न लॉक और पासवर्ड कुछ भी आप अपने मोबाइल से रिमूव कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों। और यदि आपका जीमेल अकाउंट मांग रहा है दोस्तों, तो जीमेल अकाउंट का जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे देख लेना और जो है अपना एफ आर बी बाईपास कर लेना दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।